तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस भाई ये वाला गेम आप लोग पूरा देखना और बीच बीच में आप लोगों से मैं आज बात करने वाला हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ पहले ही, आज शाम को 7 बजे हम लोग स्काईलाइट्स गेमिंग पे लाइव करने वाले हैं। कुछ गिवअवेज भी होंगे और बहुत सारी मस्ती होगी। कुल मिलाकर मैं बहुत दिनों बाद लाइव आऊँगा तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वहाँ आ जाना। बाय द वे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिस चैनल पर लाइव आऊँगा। अब गाइज आप ये मैच देखना पूरा और बीच में आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। कल मैं आप लोगों से कहा था कि पबजी न्यू स्टेट को थोड़ा टाइम दो और उसके बाद में वो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। वेल पहले मैच देखो। ओ भाई क्या कर रहा है। अब जैसी नोवो कूदे अब भाई नोवो में इतने बंदे आए थे मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वेल मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उतरते गन मिल गई। तो चलो अब एक एक करके एक तरफ से लोगों को खाली करना शुरू करते हैं। अब देखो ऐसे केस में पता है अक्सर होता क्या है, मैं कोई भी एक गन लेके एक तरफ निकल पड़ता हूँ और अक्सर मारा जाता हूँ। बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलूंगा। अब जैसे ही मैंने वेयर हाउस क्लियर कर दिया तो पहले मैं पीछे की तरफ आया, ना कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ इसलिए आया, मैंने सोचा हम लोग पहले इधर से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ तो कोई बंदा नहीं था बट एक बंदा मेरे लिए तैयार बैठा हुआ था। और मैं इसके प्री में आ गया। अब मैं जैसे ही नॉक हुआ, अब ये बंदे ऑल भी मेरे से बात करने लगते, तो मैंने सोचा कि मैं टीम अप तो नहीं करने वाला अभी, इसीलिए मैं वहाँ से फॉल बैक दे देता हूँ। और इस मैच में कई बार मैं फॉल बैक दूंगा जब टीम अप होने वाला होगा, ठीक है। अब वो इसलिए क्योंकि मैं टीम अप करके खुद का अकाउंट या उनके अकाउंट दिक्कत में नहीं डालना चाहता। अब मैं यहाँ पर वापस आ गया, उसके बाद में मुझे इधर से कुछ गन फाइट के साउंड आ रहे थे। जैसे इधर पर आए अब मुझे पता नहीं चल रहा भैया यहाँ कौन सी खीर बन रही थी, बट यहाँ पर भसड़ बहुत अलग प्रकार की थी। बंदे मार भी रहे थे, बंदे भाग भी रहे थे, बंदे बच भी रहे थे। तो सबसे पहले मैंने मौली फेंकी, जैसे मैं इधर पे आया ये सामने देखा और उसके बाद जैसे ही प्रोन होता हूं भाई ये मान लो बस ये मेरे को तुक्के से उस समय दिख गया और मैंने स्कोप खोला और इसके हेड पे कनेक्शन बैठ गया। तो जैसे मैंने दोनों बंदों को मारा मैं इधर बढ़ता हूं, एक बंदा पीछे और एक पॉल के पास आगे। मेरी हेल्थ देखो, अब इस एचपी पर मैं जो कमाल दिखाने वाला हूं लिटरली भाई उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और गाइज आप देख रहे हो भाई ये छोटे से लाल धागे जितने इस एचपी में मैंने दोनों बंदों को मारा। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, भाई उस समय इतना डर लग रहा था कि बस अगर मैं नॉक हुआ तो खत्म तो हो ही जाऊंगा, कि पॉल की भी यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी। अगर भाई ये सीन अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर ठोकना। अब जरा कल के कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं और गेम भी आप लोग देखते रहना। अब कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि देखो पबजी न्यू स्टेट एक नया गेम है, मैकेनिक्स अलग है। अब हर गेम एक जैसा तो नहीं होता, आप लोगों ने इससे पहले मिली मिलिशिया खेला होगा, आपने फ्री फायर भी खेला होगा, आपको गेम के मैकेनिक्स बहुत डिफरेंट दिखते होंगे, गन की रिकॉयल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या करते हो, आप देखो या तो उन गेम्स को खेलते नहीं हो, अगर आपको वो गेम कोई रिकमेंड करता है या अच्छे लगते तो आप उसको टाइम देते हो और टाइम के साथ साथ आप उसमें घुलने मिलने लग जाते हो, कुल मिलाकर आपको वो गेम अच्छा लगने लगता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं आज से 3 साल पहले जब मैंने सबसे पहले पबजी खेला, पबजी मोबाइल, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कोचिंग की से और स्कूल तक जाने मुझे ये लगता था कि ये कितना बड़ा मैप है। और आज अगर मैं पूरे कोचिंग की मैं पूरे एंगल में घूम लूँ तो मुझे ये मैप बहुत छोटा लगता है। अब जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इसे टाइम बहुत दे दिया, अब हम गेम को पूरा समझ चुके हैं। लेकिन अब जैसे कि पबजी न्यू स्टेट आया, हम लोगों ने इसे खेला तो हमें ये गेम बहुत स्लो फील हुआ, क्योंकि जो इसके एनिमेशंस हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहे थे लाइक प्रोन होने समय। आपने देखा उठते में ही कोई भी सामने वाला आपको इजीली मार देता था। तो मैं आपसे कल बस यही बोल रहा था कि भाई प्लीज़ अभी थोड़ा सा टाइम दे दो गेम को और बाद में अभी गेम खुद अपने आप सुधरने लग जाएगा। आप भी और मेरे कुछ कहने से या फिर ना कहने से आप पे क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्या मेरे कहने से आप वो गेम ज़बरदस्ती खेलोगे? नहीं भाई, जो आपको अच्छा लगेगा वही खेलोगे। अब होता क्या है कि आप लोगों से मैंने बात करी लेकिन कुछ स्मार्ट लोग थे जो मेरे को कमेंट में बोलने लगे कि ये आप नहीं बोल रहे, आपने पैसा खाया है पबजी न्यू स्टेट वालों से और ये वो पैसे बोल रहे हैं। अब भाई साहब
अब आज से एक साल पहले कुछ ऐसी ही चीज हुई थी, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। जब फौजी गेम लॉन्च होने वाला था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि ये गेम अभी अच्छा साबित नहीं हो सकता है, और बहुत सारे रीजंस थे, अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता उसे। बट हुआ क्या, उस समय पर भी लोगों ने मेरे को बोला कि तुम देशद्रोही हो, ये हो वो हो। अब हुआ क्या है कि कुछ समय बाद वो गेम आया, क्या आप लोगों ने खेला उसे? इवन जो उस समय वादे ठोक रहे थे देशभक्ति का और बहुत सारे मुद्दे थे, तो उन लोगों ने वो गेम नहीं खेला। इवन जब वो गेम आया तो मैंने पहले दूसरे दिन आपको खेल के भी दिखाया था। तो ये एक डिस्कस होता है जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ अपनी एज ए फैमिली या फ्रेंड मान लो, जैसे कि आप अपने घर में बात करते हो, अपने भैया से बात करते हो, अपनी दीदी से बात करते हो, लाइक वैसे ही मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा था। अब यहाँ पर मैं उन लोगों से, अब समझ में आ गया आपको सारा सीन क्या हुआ। अब मैं उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो लोग बोल रहे थे कि भाई, पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे लोग पबजी न्यू स्टेट पैसे लेके खेल भी रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है आप कुछ नहीं कर सकते उनका, ठीक है, और लिटरली आप करोगे भी क्या, समझ रहे हो ना, ये आपके हाथ में है ही नहीं। आप गेम खेलोगे नहीं खेलोगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि कोई पैसे लेके गेम खेल रहा और वो आपके सामने खेले तो आप उससे फोर्स भी नहीं होने वाले हो। ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात, अब जब वो लोग मेरे से ये कह रहे थे कि आपने पैसे लेके गेम खेला है, तो कहने का मतलब ये है कि अगले दिन जब तुम ये दावा ठोक रहे हो और अगर तुम इस गेम को खेलते हो आगे चल के, तो तुमने भी पैसे लिए क्या? नहीं भाई साहब, क्योंकि अब आपको वो गेम अच्छा लग रहा है इसलिए आप गेम खेल रहे हो। और आपको अच्छा क्यों लग रहा है वो गेम? क्योंकि आपने अभी थोड़ा सा टाइम दिया है और बहुत सारी चीज़ें फिक्स हुई होंगी गेम के अंदर, एंड कहीं ना कहीं अब आपको गेम के मैकेनिक्स समझ में आने लग गए होंगे। तो अब आप लोगों को सब समझ में आ गया, तो भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ यार। मैं आप लोगों को हमेशा मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा था कि भाई देखो गेम ऐसा है तो टाइम देते हैं। मैं कौन सा खुद खेल रहा हूँ अभी, मैं नहीं खेल रहा क्योंकि अभी थोड़ा गेम इम्प्रूव होने दीजिए। वेल छोड़ो यार, अब इस मुद्दे पे क्या ही बात करनी है, आपका जो मन है वो कीजिए, मेरे कहने या फिर ना कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अब सॉरी भाई यार, इस चक्कर में ना बहुत सारा गेम निकल गया आपके हाथ से, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ बंदे थे लोगों में जो मीटअप करना चाहते थे, और यही वो बंदा था, बट मैंने इसे मीटअप नहीं किया। मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया, आपका अकाउंट या मेरा अकाउंट दोनों खतरे में आ सकता है, और रिसेंटली काफ़ी सारे अकाउंट्स बैन भी हो रहे हैं। वेल, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं जोन में, बेसिकली हम लोग जा रहे थे पोची की तरफ, एंड तभी हमें एक हुप और एक बग्गी दिखाई देते, और उसके बाद में फिलहाल एक बंदा लॉक। अब ये बात तो मुझे पता थी कि दूसरा बंदा जरूर कवर देगा, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने वॉल बना ली। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डीपी यूज कर रहा था, और सही बताऊं तो डीपी यूज करने में भाई बड़ा ही मजा आता है। अब यहां पर आया एक ग्रेनेड, अब पॉल भाई साहब हमारे हो गए नॉक। अब इसके बाद मेरे को भी एनिमी की पोजिशन पता थी, इसीलिए मैंने भी यहां पर ग्रेनेड फेंका, एंड यकीन मानिए भाई इस ग्रेनेड से जरूर वो लिट हुआ है, अदरवाइज वो हम पे उसी समय रश करता। अब कैसे पता चलेगा कि वो लिट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे देखो मैं इतने रिवाइव देता हूँ, इतने वो शायद खुद को हील वील कर रहा था, और जैसे ही रिवाइवल कंप्लीट होता है अब वो ओपन से रश कर रहा था। अब यहां पर मैंने एक लिटरली उसे सोचा भी नहीं होगी कि ऐसा भी ग्रेनेड ये बंदा कर सकता है। मैंने एकदम फुल कुक ग्रेनेड रश करते समय उसके मुंह पे मारा, जिससे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई, और उसके बाद M4 से तो मैंने उसको भाई इजी नॉक फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर भाई मेरे हो चुके थे 14 किल। अब यहाँ ये मैच बड़ा कन्फ्यूजन में जाने वाला था। आगे कन्फ्यूजन कैसी कि मीटअप करने वाले बहुत आ रहे थे, जैसे कि हम लोग यहाँ आते, अब मैं और पॉल दोनों अलग अलग होके बंदों को ढूंढ रहे थे फाइट करने के लिए, तो पॉल बताता कि उसके आसपास कुछ बंदे आ चुके, तो मैं उसको बोलता कि वो मेरी तरफ आए, मैं उसको कवर दूंगा। अब फाइनली अब मेरे को उधर से कोई आते हुए तो नहीं दिखाई दिया, बट यहाँ पर मुझे एक बंदा अभी रेंडर हुआ था, तो बस मैं उसको स्पॉट कर रहा था। फाइनली मेरे को डांसिया भी दिखाई दे गई, तो मैं समझ गया कि बात तो सही है कि बंदे तो हैं, बट कहाँ हैं? लेकिन तभी अब इस बंदे को तो कर दिया हमने लॉक फिनिश, बट अब आती है इसकी टीम।
मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में एक बंदे को नॉक दे दिया, बट ये लोग जंप कर रहे थे तो उसके लिए उनके लिए भाई सॉरी, मैंने वहाँ पे बोल दिया था। बट अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं बिना टीम अप करे। हमने सोचा कि टीम अप जब करना है तो बाद में कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। यहाँ मेरे को ना एक वॉल बनी दिखाई देगी स्क्वाड हाउस पे। मैं समझ गया कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो घोटाला चल रहा है। तो पॉल को मैंने बोला कि वो आगे जाए, रश करे, सीधा सीधा स्लैम दे। मैं उसको यहाँ पे देखो कवर दूंगा कैसे, कि जैसे ही बंदा बालकनी में आएगा मैं उसको ऐसे मार दूंगा। बट मुझे ये नहीं पता था, मैंने इतना क्विकली मारा डीपी से कि वो बंदा जंप कर रहा था। उसके लिए भाई मैंने उसको सॉरी का ही मूड तो मेरे पास था नहीं, तो बट मैंने उसे लव यू वाला जो इमोट है वो भेज दिया। बट यहाँ पर ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप किसी भी स्क्वाड हाउस में ऐसे घर में जब बंदा ओपन में खड़ा होकर मारे तो आप वहाँ पर इस तरीके से अपने एनिमी से अपने प्लेयर से अपने टीममेट से रश करा सकते हैं। अब इसके बाद में एक बंदा हमें यहाँ स्पॉट होता है, बट भाई यहाँ ये ट्रिक फेल हो गई। लिटरली वो बंदा मेरे पे ही एम लेके बैठा था और ये देखो भाई उसने मेरे को अगर हेड दिया होता तो मैं नॉक ही था। अब यहाँ पर देखो, अब मैं इस बंदे से फाइट में लगा हुआ था लेकिन उसी दौरान यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे मैंने इस बंदे को मैं मार ही रहा था कि तभी मेरे राइट से एक बंदा आता है और ये वही टीम अप वाली स्क्वाड थी। लिटरली मैं परेशान हो चुका था इस स्क्वाड से कि भाई मत करो इतना टीम अप, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। अब उसके बाद में मैं इधर इस बंदे से फाइट ले रहा था, पॉल उधर उनसे बात कर रहा था और तभी देखो वहां क्या हुआ। अबे अबे मेरे को क्यों मार रहे हैं भाई, इन्होंने पॉल को नॉक कर दिया। अब भाई मेरे को लगा इस बंदे की शायद सनक गई है, इसने इसको नॉक दे दिया, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको नॉक कर देता हूँ कहीं ये मेरे को भी ना खा जाए। अब उसके बाद में सारे बंदे मर जाते हैं, बस यही स्क्वाड बच जाती है। तो कुल मिलाकर अब तो हमें इनसे मीटअप करना ही होगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हम लोग जाते हैं पहले इनके पास, इनसे मीटअप करते हैं, बातचीत होती है और उसके बाद में हम लोगों का ये डिसाइड होता है कि अब हम लोग अपना एक एक एरिया बांट लेंगे और फाइट करेंगे। मतलब कि तुम चले जाओ और उसके बाद में हम इधर से फायरिंग स्टार्ट करेंगे, फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर पहले इनसे बातचीत होती है हमारी। फाइनली बातचीत कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में ये लोग सामने चले जाते हैं और यहाँ पर देखो मैंने जंप करके पहले बंदे को स्पॉट किया, यहाँ पर मैंने पहला नॉक निकाला। उसके बाद में अब भाई वो बंदा नॉक होते तो बचा, बट यहाँ पर वो जो आग लग गया ना मेरे अंदर, बस क्या ही बताऊं मैं। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट गेट लगाई, उसके बाद में अब जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसको रिवाइव देने के लिए उसका टीममेट वहां पहुंच चुका था जो कि दूसरा बंदा था और डीपी वाला बंदा अभी भी वही था। वेल डीपी वाला नॉक, उसके बाद में बचे केवल दो बंदे जो कि सामने वॉल पे थे या फिर पेड़ के पीछे। अब मैंने यहां पर सबसे पहले एक वॉल बनाई, उसके बाद में ग्रेनेड फेंका, बट कहीं ना कहीं ग्रेनेड को नापने के चक्कर में मैं लेट हो गया और ग्रेनेड यहीं फट गया। अब इसके बाद देखो क्या कमाल की चीज होने वाली है। अब यहां पर मैं एक बंदे को ऑलमोस्ट नॉक देने वाला था लेकिन पॉल मेरा नॉक चला लेता है। अब जैसे ये बंदा नॉक हुआ उसके बाद में अब मैंने पॉल को भाई एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अब इस बंदे को मैं ही मारूंगा। पहले तो मैंने सोचा कि चलो इसे पैन से मारने की कोशिश करते हैं, बट भाई जोन आ चुका था ऊपर से, ये बंदा तो कतई पागल ही हो गया था भाई, इतना प्री फायर दे रहा भाई रुक ही नहीं रहा था, क्या ही बताऊं तुम लोगों को। तो बाय द वे गाइस गेम प्ले तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा, बट जो मैंने बात की थी कुछ लोगों को चुभी होंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगी होंगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों के सामने रख दी, अब आपको अच्छी लगे या फिर बुरी लगे अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अगर किसी को ज़्यादा ठेस पहुंची तो उसके लिए दिल से सॉरी, बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करने के लिए खुद फ्री हो यार, ये इंडिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, जो भी चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे वहाँ चलते रहते हैं। बाकी गाइज मैं आपको मिलूंगा शाम को 7 बजे लाइव स्काई लाइट्स पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।